तलबा व तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स एंड मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सो आज हम जो स्टडी करेंगे वो हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, के हमारे पास सॉल्ट्स कितनी किस्म के होते हैं। फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट्स, नंबर 2 एसिडिक सॉल्ट्स, नंबर 3 बेसिक सॉल्ट्स, नंबर 4 डबल सॉल्ट्स, नंबर 5 मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड नंबर 6 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सो हमारे पास जो नंबर 1 टाइप है दैट इज़ नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अ साल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन रिज़ल्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगी पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर की। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्शन होगी जिंक सल्फेट प्लस वाटर की। थर्ड रिएक्शन है हमारा H3PO4 यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट, और उसकी रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्शन होगी सोडियम फॉस्फेट प्लस वाटर की। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन होगी अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर की। तो नॉर्मल साल्ट्स और न्यूट्रल साल्ट्स क्या होती हैं, जिनको टोटल रिप्लेसमेंट की जाती है हाइड्रोजन आयन की, एक एसिड के हाइड्रोजन आयन की बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन ऑफ बेस। सो आपने इन तमाम जो 4 रिएक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले 2 रिएक्शंस आपने बहुत अच्छे से करने हैं ताकि अगर पेपर में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप उसमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस को कोट कर सकें। सो हमारे पास जो सेकेंड टाइप है डेट इज़ एसिडिक सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, यानी कि पार्शियल नॉट कम्प्लीटली। सो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास इन प्रोडक्ट जो रिजल्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, वो कि HSO4 की है प्लस वाटर की फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन फॉस्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो हमारे पास सोडियम पर फॉस्फेट बनता है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये पेपर पर इनका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट, जबकि एसिडिक साल्ट बेसिस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट से फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने नेक्स्ट यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 रिएक्शन हैं KHSO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो पोटेशियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर की भी फॉर्मेशन करेंगे। सो NHPO4 का जब रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सोडियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी भी फॉर्मेशन होगी। तो थर्ड हमारे पास जो टाइप है डेट इज़ बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। सो बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन होती है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के साथ, नॉट कम्प्लीट और पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस जो कि बेस के ऊपर कंसिस्ट करते हैं बाय एन एसिड, यानी AlOH3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो AlOH2Cl प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। PbOH जब CH3 नाइट्रिक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbOH एसीटेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। जिंक हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ
तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। जब ये साल्ट फर्दर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो नॉर्मल साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, यानी AHOH2, AlOH2, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो दीज आर ऑल द रिएक्शन जो कि बेसिक साल्ट्स के हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे एज अ होल टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो फोर्थ हमारे पास जो टाइप है डेट इज़ डबल साल्ट्स। डबल साल्ट जो हैं आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डबल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो कि दो साल्ट को मिक्स करने से बनाए जाते हैं। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द इंडिविजुअल साल्ट्स कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। द एनायन एंड कैटायन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। मोहर साल्ट फेरस सल्फेट NH4 2SO4.6 वाटर मॉलिक्यूल। पोटेश एलम पोटेशियम क्लोरोसल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस .224 वाटर मॉलिक्यूल। फेरस एलम K2SO4 F is ferrous sulfate plus .24 water molecules are examples of double salts. डबल साल्ट्स की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि जब हमारे पास दो नॉर्मल साल्ट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है डबल साल्ट्स की। तो इसमें हमारे पास मोर साल्ट जो है इसकी एग्जांपल है, पोटैश एलियम इसकी एग्जांपल है, फेरिक एलियम इसकी एग्जाम्पल है। तो आपने इन तमाम एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है डेट इज़ मिक्सड साल्ट। मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल। ब्लीचिंग पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट के नाम से भी आपको समझ आ रही है कि एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट को कब कंबाइन किया जाता है। तो हमारे पास मिक्सड साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिक्स साल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अपने इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बोथ के लिए तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इस सूरत में पूछा जा सकता है जब आपसे तमाम टाइप्स के बारे में सवाल किए जाएँ, जबकि जो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो सिंपल आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डबल एंड मिक्स साल्ट्स, और एक सिंगल डेफिनेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो लास्ट टाइप है डेट इज़ कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन और वाइस वर्सा। ओनली द सिंपल आयन्स यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कैटायन और एनायन। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरस एनायड गिव्स ऑन आयनाइजेशन अ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। के जो कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं वो जब उनको डिसोसिएट किया जाता है तो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में चेंज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और इसका जो है ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है कैटायन और एनायन की। पोटेशियम फेरस एनायड जो इसकी एग्जांपल, आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप ये जो हमारे पास टॉपिक था लाइक टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये हमारा एक 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर हर टाइप को देखा जाए तो हर टाइप हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने इन तमाम टाइप्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अगर हम लोग आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के। सॉल्ट्स के इस्तेमाल कौन कौन से हैं। साल्ट्स हैव वास्ट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड इन आर डेली लाइफ। सम कॉमन साल्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 10.5। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है नेम ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स कौन कौन से हैं और उनके फर्दर यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। सो अब हमारे पास सबसे फर्स्ट साल्ट है डेट इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन और इंडस्ट्रियल यूज़ ये है कि इट इज़ कॉमनली यूज एज अ टेबल साल्ट डेट फॉर कुकिंग पर्पजेज। हम लोग घर में खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, और सर्दियों के मौसम में हम लोग बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी इस साल्ट को यूज़ करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल्स, मेटल्स को बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा के तौर पर और वॉशिंग सोडा के तौर पर हम एज अ डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास जो है नेक्स्ट साल्ट है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास डिटर्जेंट्स पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। जो सोडियम कार्बोनेट है वो भी ग्लास के तौर पर डिटर्जेंट के तौर पर पेपर और दूसरे केमिकल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पजेज। फॉर सोपनिंग ऑफ वाटर इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक कॉस्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर।
तो जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, केमिकल्स जो कि कॉस्टिक सोडा है, बोरेक्स है, ग्लास है, सोप है, और पेपर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सल्फेट हमारे पास एक दूसरा साल्ट है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। इसका भी सेम यूज़ है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट दूसरी वॉशिंग सोडा की तरह। ये भी ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम सिलिकेट, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। तो इसके ये जो सोडियम सिलिकेट है इसका भी सेम यूज़ एट एज वॉशिंग सोडा और सोडियम सल्फेट की तरह है, डिटर्जेंट्स के तौर पर, क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर, एडहेसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स, और इसको आप एक्सप्लोसिव प्लास्टिक और दूसरे केमिकल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट जो है इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, यानी कि ऐसा ग्लास जो कि हीट को बियर कर सकता हो, ग्लासेस एंड एनामल्स इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट है डेट इज़ कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग रोड इन विंटर। इसका भी सेम यूज़ है कि ये बर्फ़ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एज अ एंड अ फ्रीजिंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और सर्दियों में बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इट इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। तो इसका यूज़ काफ़ी लेंथी है, इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज, गैसेस के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्टील मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, वाटर के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, स्लेक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर का सो कैल्शियम कार्बाइड में इस्तेमाल होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर के लिए इस्तेमाल होता है, मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, सोडा लाइम के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है, डेट इज़ जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट को दूसरा नाम जो है वो जिप्सम है। जिप्सम इज़ यूज एज फर्टिलाइजर्स टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, कास्ट एक्सेट्रा। तो जिप्सम जो है ऐसी खाद है जो कि इस्तेमाल की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसी चीज़ है जिससे हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं स्टैचूज को और कास्ट एक्सेट्रा को। लास्ट सॉल्ट है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैंट ग्लास, यानी कि पतला सा ग्लास बनाने के लिए खाद के तौर पर, फ्लैंट ग्लास के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपसे कोई से दो यूज़ पूछे जाएँ तो आप कोई से दो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है डेट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सॉल्ट्स और वाटर की फॉर्मेशन करता है। फ्यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर गिवन हियर। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास इन प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। एसिड हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जबकि बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो HCl जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटल क्लोरीन आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो सोडियम सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट चीज़ है इस चैप्टर के डेट इज़ द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नंबर वन थिंग डेट इज फर्स्ट की पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड जो हैं वो आयनाइज कम्प्लीटली नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है ऑन डिसोसिएशन, वाइल जो बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती है। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड जो है वो प्रोटोन डोनर है, जबकि बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है। सो
ऐसे सब्सटेंस आर सब्सटेंस डेट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस एज कॉल्ड अम्फोटेरिक। ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सके, बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सके, तो उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक। सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड जो है ऐसा से सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, और लेविस बेस क्या होती है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटोन का पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। सो अब हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशीज, जब हमारे पास एसिड और बेस के प्रोडक्ट का जो एक प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक सिंगल ब्रैकेट में मौजूद है, तो उसको हम एडक्ट कहेंगे। सो पी स्केल इज द कन्वर्जन ऑफ वेरी स्मॉल फिगर्स इनटू पॉजिटिव फिगर्स बाय टेकिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द स्मॉल फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस वन। पी स्केल जो है वो पी एच स्केल की बात की जा रही है कि जो स्मॉल फिगर्स को पॉजिटिव फिगर्स में चेंज करता है। पी एच स्केल इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अ सब्सटेंस हैविंग पी एच लेस देन 7 इज एसिडिक, लेस ग्रेटर देन 7 इज बेसिक, वाइल 7 इज टोटली न्यूट्रल। सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटेलिक कैटायन एंड नॉन मेटेलिक आयन। डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलिबल सॉल्ट एंड इनसॉलिबल सॉल्ट हैव बीन डिस्कस्ड, जो हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किए हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिटिक सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ कैटायन ऑफ वीक बेसिस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। की पॉइंट्स जो हैं ये चैप्टर का निचोड़ होते हैं, जो कि आपको टू द पॉइंट और कंसाइज समरी दी गई होती है। आपने इनको बहुत अच्छे से टेस्ट के तौर पर करना है कि आपको आया इन चीज़ों के बारे में आइडिया है या नहीं। तो आपका चैप्टर आज फिनिश है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज इन द वेरी नेक्स्ट।